For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सोनी टीवी का शो ये उन दिनों की बात है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब समीर और नैना की तड़प खत्म हो चुकी है क्योंकि उन दोनों ने आखिरकार कर ली है एक दूसरे से बात। वो कैसे ये बताने से पहले आपको शो के पिछले एपिसोड के बारे में बता दें। शो के कल के एपिसोड में आपने देखा कि फोन पर ताला लगाने से समीर की उसकी नानी से बहस हो जाती है जहाँ समीर की माँ भी उसका साथ देती है। वहीं इन सब के बाद आपने देखा कि समीर गुस्से में रोहन की बाइक लेकर निकल जाता है नैना को पीसीओ से फोन करने के लिए, जिसके बाद जहां एक तरफ समीर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ समीर के यादों में खोई नैना अपना चाकू से हाथ काट लेती है। आगे आपने देखा कि समीर की दुश्मन बनी हुई है उसकी दादी, जहाँ रोहन की बाइक टूटने से सब उस पर गुस्सा कर रहे हैं। वहीं शो के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि नैना और समीर की याद में नींद नहीं आ रही होगी तो दूसरी तरफ समीर भी लगा होगा नैना और अपने नाना जी को याद करने में। तभी समीर को फोन दिखता है जहां वो इस मौके का फायदा उठा लेता है, जिसके बाद वो करता है नैना को फोन। वहीं नैना भी उसका फोन उठा लेती है जहां दोनों को इस बात की तसल्ली मिलती है, जिसके साथ ही आपको नैना और समीर का प्यार भी शो में देखने को मिलेगा जहाँ समीर नैना को समझाता है कि वो उसके पास ही है और वो दोनों करते हैं खूब सारी बातें, जिसके बाद लौट आई है उन दोनों की खुशियां। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में देखना होगा काफी मजेदार आखिर समीर और नैना की ये खुशियां कब तक टिकी रहती है। तब तक बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टॉप न्यूज से बैजंती की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सोनी टीवी के सीरियल ये उन दिनों की बात है कि आने वाले एपिसोड में आपको लगने वाला है बहुत बड़ा झटका, जहां नैना को समीर से फोन पर बात करते हुए पकड़ लेती है उसकी ताई। लेकिन इसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के पिछले एपिसोड के बारे में बता दें, जहां आपने देखा कि समीर की दादी फोन पर ताला लगा देती है, जिससे समीर और दादी के बीच बहस हो जाती है और उसमें समीर की माँ भी दादी का ही साथ देती है। आगे आपने देखा कि समीर चाहता था नैना से बात करना, जिसके लिए वो रोहन की बाइक लेकर पीसीओ जाने लगता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसे काफी चोटें भी लगती है, पर घर पर उसके इस चोट को कोई भी नहीं देखता और उल्टा उसे सब लोग सुनाने लग जाते हैं। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि नैना समीर के याद में नहीं सो पा रही होगी तो दूसरी ओर समीर को भी नींद नहीं आती है, जिसके बाद समीर को फोन दिखता है और वो मौके का फायदा उठाकर नैना को फोन कर लेता है, जहां नैना भी जाग रही होती है और वो उसका फोन उठा लेती है, जिसके साथ ही आपको शो में नैना और समीर का प्यार भी देखने को मिलेगा जहां वो दोनों करते हैं काफी सारी बातें। लेकिन आपको बता दें कि उनकी ये खुशियां कुछ ही पलों के लिए होती है, जहां नैना की ताई जी उसे बात करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद नैना के घर में मच गया है बवाल। इसी के साथ शो के आने वाले एपिसोड में देखना होगा काफी मजेदार आखिर कैसे बचाती है नैना खुद को घर वालों की डांट से और कौन सा बहाना मारने वाली है वो घर वालों के सामने। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टॉप न्यूज से बैजंती की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सोनी टीवी के शो ये उन दिनों की बात है कि आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है बहुत कुछ खास, जहां नैना और समीर आ गए हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और ऐसे में वो दोनों भेज रहे हैं एक दूसरे को खत,
जहाँ उनके पास यही एक जरिया बचा है एक दूसरे से बात करने का। ऐसे में डाकिये ने घुमा दी है समीर की चिट्ठी, जिसके कारण नैना हो गई है बहुत उदास और साथ ही साथ उसे आता है बहुत गुस्सा। लेकिन इसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के अब तक का एक छोटा सा रिकैप दे देता है, जहां आपने देखा कि समीर फोन पर बात ना करे इसके लिए उसकी दादी फोन पर ताला लगा देती है, जिससे समीर और दादी के बीच बहस हो जाती है। वहीं नैना से बात करने की तड़प में समीर रोहन की बाइक लेकर पीसीओ की तरफ निकल पड़ता है कि तभी समीर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसे लगती है काफी ज्यादा चोटें। पर घर पर कोई भी उसकी इन चोटों पर ध्यान नहीं देता, उल्टा उसे ही सुनाने लगता है। वहीं शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि नैना और समीर दोनों अपने प्यार को खत की मदद से बचाए रखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को खत लिख रहे हैं, साथ ही साथ कर रहे हैं इंतजार अपने अपने खतों का। आप देखने वाले हैं कि नैना का समीर का एक खत मिलता है, जिसमें समीर किसी जवाब के बारे में पूछ रहा होता है, जिसके बाद नैना को पता चलता है कि उसे इससे पहले की चिट्ठी नहीं मिली है, जिसके बाद नैना हो जाती है काफी परेशान। आखिर वो खत गया तो कहाँ गया, जहाँ वो हर बार पूछती है डाकिये से समीर के खत का। इसी के साथ शो के आने वाले एपिसोड में देखना होगा काफी मजेदार, क्या नैना को मिलेगा समीर के ये खत। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टॉप न्यूज से बैजंती की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Sony TV के शो ये उन दिनों की बात है में आपको देखने को मिल रहा है समीर और नैना का प्यार, जहां अब वो दोनों हो गए हैं एक दूसरे से अलग। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा शो में एक और नई कहानी, जो होगी रोहन और प्रीति की। लेकिन इसकी पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं, जहां आपने देखा कि समीर की दादी उसके प्यार का कांटा बनी हुई है, जहां वो लगा देती है घर के फोन पर ताला, जिसकी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। आगे आपने देखा कि समीर नैना से बात करने के लिए रोहन की बाइक लेकर पीसीओ की तरफ निकल पड़ता है कि बीच में ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें लग जाती है और साथ ही टूट जाती है रोहन की बाइक, जिसके बाद सारे घर वाले उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वहीं शो के आने वाले ट्रैक में आपको शो में एक और लव स्टोरी देखने को मिलेगी। आपको बता दे कि जल्दी शो में प्रीति और रोहन के बीच प्यार अपनी जगह बना लेगा। दरअसल रोहन समीर की मदद करता है उसे नैना से मिलाने में, जहाँ नैना आई होगी अपनी बहन यानी प्रीति के साथ। वहीं दूसरी तरफ समीर भी दिल्ली से रोहन के साथ उसके बाइक पर आया होगा, जहां आंखों ही आंखों में रोहन को प्रीति से प्यार हो जाएगा, जिसके बाद वो लेगा समीर की मदद अपने प्यार के इजहार में। इसी के साथ शो के आने वाले ट्रैक में देखना होगा काफी मजेदार, आखिर कैसा होने वाला है रोहन और प्रीति की लव स्टोरी की कहानी। ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टॉप न्यूज से बैजंती की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. सोनी टीवी का शो ये उन दिनों की बात है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अब समीर और नैना की तड़प खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन दोनों ने आखिरकार कर ली है एक दूसरे से बात। वो कैसे, ये बताने से पहले आपको शो के पिछले एपिसोड के बारे में बता दें। शो के कल के एपिसोड में आपने देखा कि फोन पर ताला लगाने से समीर की उसकी नानी से बहस हो जाती है, जहाँ समीर की माँ भी उसका साथ देती है।
वहीं इन सब के बाद आपने देखा कि समीर गुस्से में रोहन की बाइक लेकर निकल जाता है नैना को पीसीओ से फोन करने के लिए, जिसके बाद जहां एक तरफ समीर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहीं दूसरी तरफ समीर के यादों में खोई नैना अपना चाकू से हाथ काट लेती है। आगे आपने देखा कि समीर की दुश्मन बनी हुई है उसकी दादी, जहां रोहन की बाइक टूटने से सब उस पर गुस्सा कर रहे हैं। वहीं शो के आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि नैना और समीर की याद में नींद नहीं आ रही होगी, तो दूसरी तरफ समीर भी लगा होगा नैना और अपने नाना जी को याद करने में। तभी समीर को फोन दिखता है, जहां वो इस मौके का फायदा उठा लेता है, जिसके बाद वो करता है नैना को फोन। वहीं नैना भी उसका फोन उठा लेती है, जहां दोनों को इस बात की तसल्ली मिलती है, जिसके साथ ही आपको नैना और समीर का प्यार भी शो में देखने को मिलेगा, जहां समीर नैना को समझाता है कि वो उसके पास ही है और वो दोनों करते हैं खूब सारी बातें, जिसके बाद लौट आई है उन दोनों की खुशियां। वहीं शो के आने वाले एपिसोड में देखना होगा काफी मजेदार, आखिर समीर और नैना की ये खुशियां कब तक टिकी रहती है। तब तक बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टॉप न्यूज से बैजंती की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.